ग्रीन सिटी नागपुर, तालाबों का शहर नागपुर। ऐसी खूबियां रखने वाले नागपुर शहर में 11 तालाब हैं, जिनमें सबसे बड़े तालाब के रूप में अंबाझरी की पहचान है। हिंगणा वन परिक्षेत्र में आने वाला अंबाझरी नागपुर के दक्षिण पश्चिम सीमा पर बसा परिसर, पंछियों का आश्रय स्थान, हरे घने पेड़ों का निवास, नागपुर शहर का वैभव, ऐसा है ये अंबाझरी तालाब। इस तालाब का 1800 एकड़ पाणलोक क्षेत्र है। पेड़ कटाई और जानवरों की चराई के कारण ये पूरी जमीन बंजर पड़ी हुई थी। किसी का ध्यान न होने के कारण असामाजिक तत्वों का अड्डा बनी इस जमीन पर तत्कालीन पार्षद डॉक्टर परिणय जी फुके इनकी नजर गई। सन 2012 में जब डॉक्टर परिणय जी पार्षद थे, तब इस जगह को जंगल में परिवर्तित करने का उन्होंने संकल्प किया और इस दिशा में प्रयास शुरू किए। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नागपुर सुधार प्रन्यास, कंपनी सीएसआर फंड, आर्ट ऑफ लिविंग, इनके सहयोग से और वन विभाग के मार्गदर्शन में इस जगह को जंगल और जैव विविधता पार्क में परिवर्तित करने की नींव रखी। इस प्रस्ताव को मान्यता मिली। निधि की उपलब्धता से इसके विकास कार्य का भूमि पूजन राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनके कर कामलों से सन 2015 में हुआ। इस जगह को संरक्षित करने के लिए 7.5 किलोमीटर की कंक्रीट वॉल कंपाउंड का निर्माण किया गया। राज्य के वन मंत्री सुधीर जी मुंगंटीवार इनके महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण अभियान के तहत तालाब के पाणलोट क्षेत्र की बंजर जमीन पर 40,000 पौधों को रोपण किया गया। 1,00,000 पेड़ों को जीवित रखने का महत् कार्य भी इस दौरान किया गया। 150 प्रजातियों के पंछियों का अधिवास है। पंछियों का स्वर्ग ऐसे भी इस परिसर की अब पहचान होने लगी है। पंछी निरीक्षक बड़े पैमाने पे यहाँ पंछी निरीक्षण के लिए आते हैं। इस बायोडायवर्सिटी पार्क को वन्य प्रेमी पंछी निरीक्षकों के अभ्यास हेतु एवं पर्यटकों के सुविधा हेतु अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 11 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक, पंछी निरीक्षण हेतु 10 लोहे के मचान, 8 बर्ड हाइट्स का निर्माण किया गया है। पर्यटकों के लिए 18 साइकिल, 7 बैटरी ऑपरेटेड साइकिल्स उपलब्ध कराई जाएंगी। पर्यावरण जन जागरण हेतु साइन बोर्ड भी यहाँ लगाए गए हैं। इस क्षेत्र में बन रहा एसटीपी ये भी एमआईडीसी से आने वाले पानी को शुद्ध करने की दृष्टि से एक पहल है। राज्य के वन मंत्री माननीय सुधीर जी मुनगंटीवार इनके मार्गदर्शन में वन राज्य मंत्री परिणय जी फुके इनकी संकल्पना से अब अंबाझरी जैव विविधता उद्यान अर्थात बायोडायवर्सिटी पार्क ये नई पहचान मिली है। नागपुर का वैभव अब नागपुर की शान होगा। अंबाझरी बायोडायवर्सिटी पार्क का विकास यही ध्यास, ये उद्दिष्ट रख के अब अंबाझरी से लगी बंजर जमीन के विकास का सपना प्रत्यक्ष रूप से साकार हुआ है। इसी कड़ी में अब अंबाझरी क्षेत्र में 100 से अधिक हिरण लाए जा रहे हैं। इन हिरणों का भविष्य में यहाँ मुक्त संचार होगा, ये अंबाझरी के लिए गौरव की बात होगी। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, पर्यावरण की दृष्टि से संवर्धन, नागरिकों के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए विकास का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आइए एक पहल करें। इस धरोहर को नया चेहरा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी एवं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में और वन मंत्री सुधीर जी मुंगंटीवार एवं नागपुर जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुले इनके मार्गदर्शन में राज्य मंत्री डॉक्टर परिणय जी फुके इनके साथ चले, उनकी संकल्पना को प्रत्यक्ष में लाएं, नागपुर को एक नई पहचान देने में साथ चलें।